तो आज जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और नया चैप्टर जो है वो है सॉल्यूशन। ठीक है, पता है ना नया चैप्टर चालू हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बिहार बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, नीट हो गया, हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सॉल्यूशन है तो हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, सॉल्यूशन से कहेंगे। तो सबसे पहला है कि आखिर सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो सपोज आपके पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर में आपने लिक्विड डाला है। क्या डाल दिया है, ये आपका लिक्विड है। ठीक है, तो लिक्विड डाला है तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोल देंगे। और थोड़े से अमाउंट में आप क्या डाल दोगे, बोलो। आपके पास जो है, ध्यान देना, आपके पास जो है इस तरीके से एक चम्मच है, और चम्मच के अंदर में आपके पास सपोज कोई नमक वगैरह है, नमक है, ग्लूकोज है, कुछ भी है। तो जो कम अमाउंट में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। समझ पाए हो, तो आप क्या करोगे कि इस सॉल्यूट को क्या किए कि इस सॉल्यूशन के अंदर में क्या कर दिए हो, ऐड कर दिए हो। ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ऐड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, ऐड करने के बाद आपको मिलेगा सॉल्यूशन। क्या मिलेगा ऐड करने के बाद, बोलिए, ऐड करने के बाद आपको मिलेगा सॉल्यूशन। समझ पा रहे हो, इस तरीके से क्या मिलेगा आपको, सॉल्यूशन मिलेगा। यानी आपका वाटर के साथ या सॉल्वेंट के साथ आपको क्या मिलेगा, बोलिए, आपका सॉल्यूट पार्टिकल भी क्या होगा उसके अंदर में मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन चुका है, बोलो, ये हमारा बन चुका है सॉल्यूशन। दिक्कत क्या बन चुका है, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर में आप क्या देखना है, समझना है, सॉल्यूशन है आपने जो है थोड़ा सा पार्टिकल आपने यहां से निकाला, थोड़ा सा सैंपल आपने यहां से निकाला, और थोड़ा सा सैंपल आपने कहां से निकाला, नीचे से निकाला। यहां का टेस्ट करोगे, यहां से टेस्ट करोगे, यहां से टेस्ट करोगे, हर जगह टेस्ट आपको क्या मिलेगा, हर जगह टेस्ट आपको बराबर मिलेगा। टेस्ट क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। इसका मतलब हम लोग ये कहेंगे कि यहां का कंसंट्रेशन, ये बीच का कंसंट्रेशन, या फिर सबसे नीचे का कंसंट्रेशन क्या होगा, सब इक्वल होगा। सारा कंसंट्रेशन क्या होगा, सारा कंसंट्रेशन जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी आपका ये सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है, सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है। कैसा होगा, होमोजीनियस होगा। यानी अगर चारों तरफ कंसंट्रेशन एक जैसा होगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको होमोजीनियस कहेंगे। समझ पाए, तो सॉल्यूशन का जो डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन का क्या डेफिनेशन लिखेंगे, बोलो, हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, बोलो, इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, बोलो, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। समझ पा रहे हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। कोई दिक्कत सॉल्यूशन के डेफिनेशन समझने में, कोई प्रॉब्लम, बोलिए, आगे बढ़े। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट होता है। सॉल्यूशन का कितना कंपोनेंट होता है, दो कंपोनेंट। कौन कौन सा दो कंपोनेंट है, एक आपका क्या है, सॉल्यूट है, और एक क्या है आपका, सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट क्या होगा, बोलो, तो सॉल्यूट जो होता है स्मॉल कंपोनेंट, बोलो, ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का सबसे छोटा कंपोनेंट क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। ठीक है, और सॉल्वेंट क्या होगा, बोलो, सॉल्वेंट क्या होगा, बोलो, लार्जर कंपोनेंट या लार्ज कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, बोलो, सॉल्यूट, सॉरी, सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूशन के अंदर में जो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट कहेंगे, और सॉल्यूशन के अंदर में जो सबसे कम मात्रा में होगा या कम मात्रा में होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का जो है आपका डेफिनेशन हो गया, और इसका अंदर में टाइप्स हो गया। कोई दिक्कत, एक और चीज समझिएगा कि जो आपका सॉल्यूट पार्टिकल होता है, समझना, जो भी सॉल्यूट पार्टिकल आपका होगा, ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल जो भी होता है, ये आपका सॉल्यूट पार्टिकल होगा इसके अंदर में, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल को अगर आप देखोगे तो सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज होगा, जो डायमीटर होता है सॉल्यूट पार्टिकल का, वो डायमीटर जो होता है वो डायमीटर छोटा होगा या बराबर होगा किसके, 1 नैनोमीटर के। समझ पा रहे हो, यानी जो सॉल्यूट पार्टिकल आपने रखा है इसके अंदर में, ठीक है ना, सॉल्यूट पार्टिकल जो है इसके अंदर में, ये सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज होगा, जो डायमीटर होगा, वो कितना होना चाहिए,
बोलो 1 नैनोमीटर या उससे कम होना चाहिए। समझ पा रहे हो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज कितना होगा? 1 नैनोमीटर या फिर उससे कम होता है। 1 नैनोमीटर से अगर ज्यादा हो जाता है डायमीटर क्या होगा? डायमीटर आपका 1 नैनोमीटर से लेकर के डायमीटर कितने के बीच में? 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर होगा तो उसको हम लोग सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कोलॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोलॉइड। यानी कोलॉइड के अंदर में पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। और वही अगर आपका डायमीटर जो है वो बड़ा होगा किससे? 1000 नैनोमीटर से, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? उसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। क्या बोल देंगे उसको? सस्पेंशन। खैर ये चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग को क्या पढ़ना है? कोलॉइड के बारे में पढ़ना है। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, इन सबों को क्या करना है? आपको नोट कर लेना है। ठीक है, और आपको ये बताना है कि सॉल्यूशन केवल लिक्विड में एग्जिस्ट करता है क्या, या सॉलिड में और गैस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है क्या, ये भी आपको समझना है। क्या है कि क्या सॉल्यूशन केवल, बोलो, लिक्विड में है? क्या सॉल्यूशन सॉलिड में और गैस में एग्जिस्ट करता है क्या? बोलो, सबसे बड़ा सवाल यही है, एग्जिस्ट करता है क्या? और एग्जिस्ट करेगा तो उसका एग्जांपल क्या है? ठीक है, और कब हम लोग बोलेंगे कि कोई भी सॉलिड जो है वो सॉलिड है, और कब बोलेंगे कौन सा सॉलिड लिक्विड है, और कब बोलेंगे कि कौन सा सॉलिड गैस है? ठीक है, तो इसका आंसर है यस। बोलो, सॉल्यूशन सॉलिड में भी एग्जिस्ट करेगा और गैस में भी एग्जिस्ट करेगा। सॉलिड में भी करता है और गैस में भी करता है, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया आपका जैसे ऑर्नामेंट। आप क्या करो कि आप गोल्ड ले लो। क्या ले लो? ये गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड का बार है। और क्या ले लो? बोलो, कॉपर ले लो। क्या ले लो? ये थोड़ा सा कॉपर ले लो, और दोनों को एक साथ क्या कर दो, एक कंटेनर में रख करके दोनों को क्या कर दो? बोलो, दोनों को हीट कर दो। क्या कर देना है? दोनों को हीट कर देना है कंटेनर में रख करके। ठीक है, हीट कर दोगे तो होगा ये कि दोनों क्या हो जाएगा? बोलो, दोनों पिघल जाएगा क्या? बोलो, दोनों क्या हो जाएगा? दोनों पिघल जाएगा। ठीक है, यानी आपको जो है जो पिघला हुआ जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपको कॉपर मिलेगा, और उसी में क्या मिलेगा? पिघला हुआ आपको, बोलो, गोल्ड मिलेगा। समझ पा रहे हो? दोनों आपस में क्या हो जाएगा? दोनों आपस में होमोजीनियसली मिक्स हो जाएंगे। दोनों आपस में क्या होंगे? होमोजीनियसली मिक्स होंगे। उसके बाद से जब ये ठंडा होगा, कोल्ड हो जाएगा, ठंडा होगा, तो क्या सॉलिड की तरह जम जाएगा क्या? सॉलिड हो जाएगा। तो ऐसे मिक्सचर को आप क्या कहोगे? बोलो, ऐसे मिक्सचर को आप क्या कहोगे? सॉलिड सॉल्यूशन कहोगे। क्या कहोगे इसको? बोलिए, सॉलिड सॉल्यूशन कहोगे। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? बोलिए, तो सॉलिड सॉल्यूशन हमारा एग्जांपल हो गया। अब एक और है, गैस सॉल्यूशन। कौन सा? गैस सॉल्यूशन का क्या एग्जांपल है? गैस सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, गैस सॉल्यूशन। तो देखो होता क्या है, एयर इसका परफेक्ट एग्जांपल है। एयर क्या है? परफेक्ट एग्जांपल है। देखो, एयर में कौन कौन सा गैस है? ऑक्सीजन है क्या, और कौन सा गैस है? नाइट्रोजन है। दो अलग अलग गैस है, मिक्स है, होमोजीनियसली मिक्स है। ठीक है ना, होमोजीनियसली, बोलो, मिक्स है। तो एयर, एयर को हम लोग क्या कहेंगे? गैस सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या कहेंगे? गैस सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग कब किसको हम लोग बोलेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन है और कौन सा सॉल्यूशन गैस सॉल्यूशन है, ये कब बोलेंगे? यानी कब सॉलिड सॉल्यूशन होगा, समझ पा रहे हो? कब, बोलो, लिक्विड सॉल्यूशन होगा, और कब गैस सॉल्यूशन होगा, ये आखिर कब हम लोग बोलेंगे और किसके आधार पर बोलेंगे, इसको जरा सा समझना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सपोज आप एक मिक्सचर बना रहे हो, ये मिक्सचर है यानी सॉल्यूशन है, इसमें आपने क्या रख दिया है? बोलो, इसमें आपने क्या रखा है? वाटर रख दिया है। क्या रख दिया है? वाटर। ठीक है, और आपने क्या रख दिया है? बोलिए, आपने यहाँ पे, बोलो, यहाँ पे आपने रख दिया है सॉल्ट। क्या रख दिया है? सॉल्ट। तो वाटर क्या है? लिक्विड है क्या? वाटर क्या है? लिक्विड है। सॉल्ट क्या है? बोलो, सॉलिड है। और वाटर का हैसियत जो है वो किसका है? सॉल्वेंट का है। और सॉल्ट का जो हैसियत है वो किसका है? सॉल्यूट का है। सॉल्ट का हैसियत किसका है? सॉल्यूट का है। तो मेजोरिटी किसका है? वाटर का, ये मेजोरिटी है। ठीक है, और ये क्या है? माइनॉरिटी है, यानी कम तादाद में है। तो सरकार किसका बनेगा? बोलो, सरकार किसका बनता है? मेजोरिटी का बनता है। और मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी का फेस क्या है? बोलो, मेजोरिटी का फेस
बोलो लिक्विड है, मेजोरिटी का फेस क्या है लिक्विड है। तो ये जब मिक्स होगा तो मिक्स होने के बाद से इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। भले ही सॉल्ट आपका क्या है, सॉलिड है, लेकिन पानी में जब घुल जाएगा तो क्या कहेंगे इसको, लिक्विड सॉल्यूशन है। यानी किसी भी सॉल्यूशन को लिक्विड सॉलिड या गैस तब बोलेंगे, तब बोलेंगे जब उसका सॉल्वेंट जो है, बोलो सॉल्वेंट का फेस जो है अगर लिक्विड होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, लिक्विड। सॉल्वेंट का फेस जो ज्यादा अमाउंट में है वो अगर गैस होगा तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, गैस होगा। सॉल्वेंट जो कि ज्यादा अमाउंट में होता है अगर वो किस में होगा, गैस, हाँ सॉलिड में होगा, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, बोलो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी फेस ऑफ सॉल्यूशन, द फेस ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द फेस ऑफ, बोलो सॉल्वेंट। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के ऊपर। दैट इज इफ सॉल्वेंट इज लिक्विड देन सॉल्यूशन इज, बोलो सॉल्यूशन इज ऑल्सो क्या होगा, लिक्विड। इफ सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट इज गैस देन, बोलो सॉल्यूशन इज ऑल्सो गैस। इफ बोलो सॉल्वेंट इज सॉलिड देन सॉल्यूशन भी क्या होगा, सॉल्यूशन भी, सॉल्यूशन इज ऑल्सो क्या होगा, सॉलिड होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में, बोलिए। ठीक है, तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग